सक्सेस सक्सेस सक्सेस, जहाँ भी जाओ जहाँ भी देखो लोग सक्सेस की बातें करते हैं, लोग बड़े बड़े गोल्स की बात करते हैं, बड़े बड़े ड्रीम्स की बातें करते हैं, और लोग ये फाइंड करते रहते हैं कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट है, मुझे जल्दी सक्सेस कैसे मिल सकता है। लोग हर वक्त यही फाइंड आउट करते रहते हैं, बट क्या सक्सेस का कोई शॉर्टकट है? जी हाँ, सक्सेस का शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होते, बट होते हैं, और जानने के लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं देखोगे लास्ट तक तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर दोगे। तो वेलकम बैक दोस्तों, 100 डेज कम्युनिकेशन चैलेंज के 21वें दिन में आपका स्वागत है, और आज मैं बात करूँगा सक्सेस के शॉर्टकट के बारे में, सक्सेस के सबसे छोटे रास्ते के बारे में, कि कैसे आप उस पर चढ़कर जल्दी से जल्दी सक्सेस हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपके मन से ये कन्फ्यूजन दूर कर दूँ कि सक्सेस किसी को भी जल्दी ना मिला है और ना ही मिलेगा कभी भी। जल्दी से जल्दी का क्या मतलब है? अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको 5 से 10 साल रुकना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हो कि मुझे जल्दी सक्सेस मिल जाए, एक दिन में, दो दिन में, या फिर ओवरनाइट, तो ये असंभव है, ये कभी नहीं हो सकता है। तो आज मैं जो भी बात करूँगा वो अपने एक्सपीरियंस से बात करूँगा कि मैंने सक्सेस के बारे में क्या सीखा है और अब तक क्या जाना है। तो दोस्तों, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता रहता हूँ, बहुत सारे वीडियोस देखता रहता हूँ, बहुत सारे पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ सक्सेसफुल लोगों के, मोटिवेशनल स्पीकर्स के, और जो जो भी सक्सेस एक्सपर्ट हैं उन लोगों के। तो अमेरिका के वन ऑफ द ग्रेट ऑथर्स में से एक और सक्सेस एक्सपर्ट ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सक्सेस की एक रेसिपी होती है। जी हाँ, जैसे खाना बनाने की एक रेसिपी होती है, एक कार्ड में लिखा हुआ रहता है कि एक्शनेबल स्टेप्स लिखे हुए रहते हैं, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपका खाना जल्दी बन जाएगा और आपका खाना ऐसे बनेगा, ऐसा मज़ेदार बनेगा। तो उसी तरह सक्सेस की एक रेसिपी होती है, एक मेन्यू होता है, अगर आप उस मेन्यू को फॉलो करोगे, उस रेसिपी को फॉलो करोगे, तो आप डेफिनेटली ज़रूर सक्सेसफुल बनोगे, ये गारंटी है। तो सक्सेस की रेसिपी क्या होती है? ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सक्सेस लीव्स क्लूज, मतलब सक्सेस अपने पीछे एक क्लू छोड़कर जाता है, एक रास्ता छोड़कर जाता है। जैसे बहुत सारे क्रिमिनल क्राइम करने के बाद थोड़ा बहुत क्लू छोड़ कर जाते हैं। तो ये थोड़ा सा, आई नो, ये थोड़ा सा वियर्ड एग्जांपल है, बट ये एग्जांपल फिट बैठता है कि सक्सेस भी एक क्लू छोड़ कर जाता है, एक रास्ता छोड़ कर जाता है। तो सक्सेस की क्लू क्या है? तो ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि इफ़ यू स्टडी सक्सेसफुल पीपल एंड डू व्हाट दे डू, यू विल बिकम मोर सक्सेसफुल, एंड इफ़ यू स्टडी अनसक्सेसफुल पीपल एंड अवॉइड व्हाट दे डू, यू विल बिकम मोर एंड मोर सक्सेसफुल। मतलब अगर आप सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करोगे, उनको स्टडी करोगे, और उन्होंने जो जो किया है आप उन चीज़ों को करोगे, तो आप खूब सक्सेसफुल बन जाओगे। और आप अनसक्सेसफुल लोगों को स्टडी करोगे और उन लोगों ने कौन कौन सी गलतियाँ की हैं, आप उन गलतियों को अवॉइड करोगे, तो आप और भी ज़्यादा बड़ा सक्सेसफुल बन जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करोगे, उनके पाथ को फॉलो करोगे, तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे। तो यहाँ पे एक्शनेबल स्टेप क्या आता है? सबसे पहले आपको एक रोल मॉडल चुनना है। आप किसी भी एक रोल मॉडल को चुन सकते हो, किसी भी फील्ड से। कोई टीचर अगर बनना चाहता है तो आप कोई अच्छे टीचर को फॉलो कर सकते हो। कोई अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो आप बड़े एंटरप्रेन्योर को फॉलो कर सकते हो। कोई एक सोशल समाज वाला जो भी काम करता है, अगर आप वो बनना चाहते हो तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो आपको एक रोल मॉडल फाइंड करने के बाद आपको ये देखना है कि उन लोगों ने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है, उसके बाद आपको उन चीज़ों को फॉलो करना है, और उन लोगों ने क्या गलती की है उनको बचना है। और आप ऐसे करते जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक दिन आप उनसे ज़्यादा कामयाब बन चुके होगे और उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुके होगे। इसके बारे में बिलियनियर डैन पैना भी बोलते हैं कि सक्सेस लीव्स क्लूज। तो आप उन क्लूज को फॉलो करो, आप उन क्लूज को फाइंड आउट करो। तो दोस्तों, ये रहा आज का सक्सेस का सबसे शॉर्टकट रास्ता। और हाँ, इस गलती में मत रहना कि सक्सेस मुझे जल्दी मिल जाएगा, ओवरनाइट मिल जाएगा, ऐसा कभी हुआ है ना कभी होगा। आपको 5 से 10 साल का वेट करना ही पड़ेगा सक्सेसफुल बनने के लिए। हाँ, बट आपको एक रोड मैप मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा चलने के लिए। आप उस रास्ते पे चलोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो
तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आपने अपना रोल मॉडल अब तक फाइंड किया कि नहीं ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो के बाद जो भी अपने रोल मॉडल को फाइंड करेंगे वो वीडियो में आने के बाद कमेंट ज़रूर करेंगे। और इस जर्नी को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।